एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस हाशिरा ग्योको की कैद से आजाद हो जाता है और सोचता है मेरा शरीर सुन हो गया है, ये सब इन नीडल्स की वजह से है। और तब हम देखते हैं वो सारे डीमंस उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब मिस हाशिरा सोचता है मैं अपनी ताकत खो रहा हूँ, मैं पहले ही। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है तुम ये कर सकते हो म्योचिरो, चलो उठो। और तब हमें म्योचिरो का पास दिखाया जाता है। तब मिस हाशिरा हमें बताता है कि ये आवाज तो मेरे फादर की है। अब मुझे याद आया वो एक लकड़हारे थे और मैं भी उनकी मदद किया करता था और मुझे उनकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ हम देखते हैं मिस हाशिरा की माँ बहुत बीमार होती है। तब मिस हाशिरा अपनी माँ को कहता है माँ चिंता मत करो, फादर जल्दी ही दवाई लेकर आ रहे हैं। और तब मिस हाशिरा अपनी माँ की सेवा करने लगता है और उनसे उनका हाल पूछता है। पर हम देखते हैं उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही होती है। और तब यहाँ मिस हाशिरा के फादर भरी बारिश में जड़ी बूटी को ढूंढ रहे होते हैं और जैसे ही वो जड़ी बूटी को पकड़ने लगते हैं उनका पैर फिसल जाता है। और तब मिस हाशिरा हमें बताता है और उस दिन मैंने अपने माता पिता को खो दिया और मैं 10 साल की छोटी सी उम्र में अनाथ हो गया। पर रुको, मैं 11 साल तक अकेला नहीं था, मेरा एक ट्विन ब्रदर भी था जिसका नाम योचिरो था। और तब यहाँ काम करते हुए योचिरो कहता है लोगों का कहना है कि दया से किसी का भी फायदा नहीं होता, तो अगर तुम किसी की मदद भी करोगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तब मिस हाशिरा कहता है तुम गलत हो, उन लोगों का मतलब ये था कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो एक ना एक दिन हमारे साथ भी अच्छा होगा, और यही सेम बात हमारे फादर ने भी कही थी। तब योचिरो कहता है तुम किसी ऐसे आदमी की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते जो कि किसी और को बचाने के लिए खुद मर गया। तब मिस हाशिरा कहता है तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो, फादर ने पूरी कोशिश की थी हमारी माँ को बचाने की। तब योचिरो कहता है वो बेवकूफ थे, वो जड़ी बूटी हमारी माँ को ठीक नहीं कर सकती थी, अगर वो उस तूफान में नहीं गए होते तब हमें सिर्फ अपनी माँ को खोना पड़ता। तब मिस हाशिरा अपने भाई को चुप रहने के लिए कहता है। तब योचिरो कहता है मैं तो बस सच कह रहा हूँ, तुम इस तरह मत चीखो नहीं तो सारे जानवर यहाँ आ जाएंगे। तुम्हारे नाम के पहले दो अक्षर जो मुंह है उसका मतलब है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो तुम्हारे साथ ये बातें करना बेकार है क्योंकि आखिरकार पास्ट कभी नहीं बदलता। और तब मिस हाशिरा उदास हो जाता है। और तब मिस हाशिरा में बताता है कि मेरा भाई बहुत कड़वा बोलता था और मुझे लगता है जब मेरे पास मेमोरीज नहीं थी तब मैं भी इसी की तरह बन गया था, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था, मुझे तो लगता था वो मुझसे नफरत करता है। और इसी तरह एक दूसरे के साथ रहते रहते कुछ समय बीत गया। और तब यहाँ मिस हाशिरा पानी लेने आया होता है और तभी वो पानी भरते हुए एक सुंदर सी लड़की को देखता है और हमें बताता है वो बहुत सुंदर लड़की थी, पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो बीस्ट्रे की स्पिरिट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीस्ट्रे रीबर्थ और न्यू बिगनिंग का प्रतीक है। और तब मिस हाशिरा में बताता है उसने बताया कि वो मास्टर की बीवी है और वो यहाँ एक ऑफर लेकर आई है और आखिर में मेरे भाई ने उन्हें बुरा भला कह के वहाँ से निकाल दिया। और तब यहाँ मिस हाशिरा अपने भाई को कहता है ये तो कितनी मजेदार बात है, उसने कहा कि हम एक तलवारबाज के वंशज हैं, हम उस ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं जो की फर्स्ट ब्रीथिंग टेक्निक यूज करते थे। तब योचिरो कहता है इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो जाओ जाकर काम करो। तब मिस हाशिरा कहता है चलो ना जाके तलवारबाज बनते हैं, ये विश्वास करना कितना मुश्किल है कि हमारी दुनिया में डीमंस भी एग्जिस्ट करते हैं और हम किसी के काम भी आ सकते हैं, तो चलो फिर उन लोगों की मदद करें जिनको डीमंस ने हर्ट किया है। तब उसका भाई गुस्से में कहता है आखिरकार तुम कर ही क्या सकते हो, तुम तो अपने लिए चावल तक नहीं बना सकते और तुम तलवारबाज बनना चाहते हो और लोगों की मदद करना चाहते हो, बेवकूफ बनना बंद करो, तुम सच में फादर और मदर की तरह हो, तुम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, पक्का तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ गलत हुआ है, तुम बिल्कुल माँ की तरह हो, वो भी हमेशा काम ही करती रही और बाद में बीमार हो गई, और हमारे फादर ने भी सेम ही किया, वो भी इतने तूफान में उस जड़ी बूटी को ढूंढने चले गए, मैंने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की पर फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। किसी की मदद वही कर सकता है जिसे ऊपर वाले ने चुना हो, चाहे हमारे पूर्वज तलवारबाज थे पर फिर भी हम बच्चे कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बस अपने माता पिता की तरह बेमौत मर सकते हैं, हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है और आखिर में वो लेडी भी हमें यूज ही करेगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई ना कोई चाल तो जरूर चल रही है, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, तुम समझ गए, अब जाओ जाकर खाने की तैयारी करो। और
गौतम इस आश्रम में बताता है। और उस दिन के बाद हमने बात करना बंद कर दिया, पर हम एक बार जरूर लड़े थे क्योंकि उसने उस लेडी पर पानी फेंका था, क्योंकि वो बार बार हमारे घर आ रही थी। और उसके बाद गर्मियां आ गई और उन गर्मियों में हमें बहुत परेशानी हुई और रात को भी वहाँ बहुत गर्मी होती थी। और तभी हम देखते हैं वहाँ एक डीमन आ जाता है और कहता है यहाँ सिर्फ बस दो ही बच्चे हैं। और जैसे ही वो मिस आश्रा पर हमला करने लगता है, उसका बड़ा भाई बीच में आ जाता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। और तब मिस आश्रा जोर जोर से चीखने लगता है, तब वो डीमन कहता है चुप कर जाओ, इतना मत चिल्लाओ, तुम्हारे जैसे गरीब लकड़हारे किसी काम के नहीं हैं। चाहे तुम इस दुनिया में रहो या ना रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब मिस शाशिरा में बताता है और उसके बाद मुझे सब कुछ लाल दिखाई दिया। उस टाइम वो गुस्सा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था और मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। और अभी भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि वो डरावनी चीख मेरे गले से आई थी। और जो अगली चीज मुझे याद है वो ये है कि वो डीमन मर रहा था, पर वो तड़प रहा था क्योंकि उसका सिर क्रश होने के बावजूद वो मर नहीं पा रहा था। और जैसे ही सुबह हुई वो डीमन जल के राख हो गया और फिर मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मैं बस युचिरो तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, पर मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी। और थोड़ी देर बाद मैं बहुत मुश्किल से अपने घर तक पहुंचा और यहाँ युचिरो कह रहा होता है भगवान प्लीज कम से कम मेरे भाई को तो बचा लो, वो मेरी तरह बिल्कुल नहीं है, उसका दिल बिल्कुल साफ है, वो लोगों की मदद करना चाहता था पर मैंने उसे रोका, ये सारी मेरी गलती है। अगर आपको किसी को सजा देनी ही है तो मुझे दो, मैं ये पहले से ही जानता था। और सच ये है कि म्यूचिरो के पहले दो अक्षरों का मतलब ऐसा पर्सन जिसकी कोई हद नहीं है। और तब हम यहाँ देखते हैं म्यूचिरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लेता है। और तब मिस आश्रा कहता है मिस्ट ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म शिफ्टिंग फ्लो स्लैश, और उन सभी डीमन्स को मारकर कोतेत्सु को बचा लेता है। और तब कोतेत्सु कहता है म्यूचिरो मेरी फिकर मत करो, जाके हैगन नेजुका को बचाओ, उस तलवार को प्रोटेक्ट करो। और तब यहाँ ग्योको गुस्से में सोचता है मैं चाहे जो मर्जी कर लूं पर ये इंसान अपने काम को नहीं छोड़ेगा, चाहे मैंने इसकी एक आंख फोड़ दी है पर ये ना ही चिल्लाया है और ना ही इसने काम को बंद किया है, पर रुको अगर मैंने इस आदमी को मार दिया। और तभी अचानक से मिस शाशिरा वहां आकर उस पर हमला कर देता है, पर ग्योको उसे डॉज कर देता है और सोचता है तो ये लड़का मेरे वाटर प्रिजन से बाहर आ गया, पता नहीं इसने ऐसा कैसे कर लिया, मुझे तो लगा था ये मारा जाएगा तो इसलिए मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। और रुको जरा, इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं यहाँ पर कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, ये तो कितने कमाल की बात है। रुको, ये निशान कैसा है, जो इन्फॉर्मेशन लॉर्ड मुजान ने मुझे दी है उसके मुताबिक इस तरह का मार्क उस इयररिंग वाले लड़के के पास है, पर अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसे कैसे घूम रहा है, इसे तो मेरे अटैक से पैरालाइज हो जाना चाहिए था, आखिरकार इसने मुझे इतनी जल्दी चोट कैसे पहुंचा दी। और वो मिस शाशिरा पर हमला कर देता है और हम देखते हैं मिस शाशिरा की तलवार टूट जाती है। तब ग्योको कहता है ये ऑक्टोपस की बॉडी कितनी कमाल की है, इसे काटा नहीं जा सकता। और यहाँ हम देखते हैं हैगनेज़ुका फिर से उस तलवार को घिसने लगता है और ग्योको सोचता है ये फिर से उस तलवार के पीछे गया, ये पक्का पागल है, पर कोई बात नहीं मुझे उस वॉर्समिथ से पहले इस हाशिरा को मारना है। और कहता है मैं पहले सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था पर अब मैं तुम्हें मारकर एब्जॉर्ब कर लूंगा। और तभी हम देखते हैं उस ऑक्टोपस के हाथ कट जाते हैं। तब म्योचिरो कहता है तो तुमने मेरे लिए तलवार बना ली, शुक्रिया कानामोरी। तब कानामोरी कहता है मैंने तो आपके पिछले वॉर्समिथ के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही इसे बनाया है। तब म्योचिरो कहता है इससे पहले मिस्टर तेत्सुजो ने मेरी स्वॉर्ड को बनाया था पर वो हर्ट डिसीज की वजह से मारे गए। और तब ग्योको सोचता है चाहे इसके पास जितनी मर्जी तलवारें आ जाएं पर यहाँ कुछ नहीं बदला है। और तब यहाँ पास्ट में तेत्सुजो मिस शाशिरा से कहते हैं मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, मुझे लगता है कोई भी तुम्हें समझ नहीं सकता, चाहे तुम्हारे कंधों पर जितनी मर्जी जिम्मेवारियां आ जाएं, चाहे तुम जितने मर्जी प्रेशर में हो, चाहे तुम जितना मर्जी परेशान हो कि तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा, तुम फिर भी बहुत हार्ड वर्क करते हो, चाहे तुम्हें इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, पता नहीं तुम्हें कौन समझ पाएगा। जब भी मैं उस तलवार को देखता हूँ जिसे तुमने यूज किया है तब मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है और मुझे मरने का कोई गम नहीं है, पर मैं फिर भी तुम्हारे बारे में चिंता करना नहीं छोड़ सकता। तब यहाँ मिस शाशिरा सोचता है मिस्टर तेत्सुजो मुझे
मुझे माफ कर देना, मैंने आपको परेशान किया, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तब वो ग्योको पर हमला कर देता है और कहता है, मिस्ट ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म सी ऑफ क्लाउड्स एंड हेज। और हम देखते हैं ग्योको उस हमले को भी डॉच कर देता है और कहता है, तुमने बहुत जल्दी उन हाथों को काट दिया, पर लगता है तुम अभी भी मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकते। तब मिस्ट हाशिरा कहता है, क्या सच में लगता है तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम्हारी सेंसेस कितनी कमजोर हैं? शायद ये इसलिए है क्योंकि तुम 100 सालों से भी ज्यादा जी चुके हो। और तब ग्योको के गले से खून निकलने लगता है और मिस्ट हाशिरा कहता है, अगली बार मैं इसे जरूर काट डालूंगा, अब मैं तुम्हारे इन बेकार के वासिस के साथ खेलना नहीं चाहता। और तब ग्योको मिस्ट हाशिरा पर हमला कर देता है, पर मिस्ट हाशिरा उसके हमले को डॉच करके उस पर हमला कर देता है। और तब उसे योचिरो की बात याद आती है जिसने कहा था कि, मुझे माफ कर देना योचिरो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं किया, मैं हमेशा अच्छा नहीं हो सकता था, क्योंकि जिसे चुना जाता है वही दूसरों के लिए अच्छा बन सकता है। पर क्या तुम जानते हो योचिरो, चाहे हम जितना मर्जी सही तरीके से जिए, आखिर में ऊपर वाला हमें नहीं बचाएगा। तो कम से कम, मुझे लगा कम से कम मैं तो तुम्हें बचाऊं। म्योचिरो, तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम किसी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, क्योंकि तुम वो हो जिसे चुना गया है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते।